नमस्कार। हर कोई यही चाहता है कि उसके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रहे, लेकिन जाने अनजाने नेगेटिव थॉट्स की तरफ खींचे ही चले जाते हैं। जो कुछ भी गलत या नेगेटिव हुआ है, बस उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। ये सही है ना? अगर कोई चीज़ हो भी रही है, जैसे नौकरी मिलना या प्रमोशन मिलना या शादी होना, आपका मन उन सभी चीज़ों के बारे में सोचता है जो गलत हो सकती है, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन आपने नेगेटिव सोचने की आदत ही बना ली है। तो अगर आप ये आदत बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो ये 3 टिप्स का उपयोग करें। पहले तो ये याद रखिए कि जो चीज़ आपकी है, आप उसे गंवाएंगे नहीं। आपको नेगेटिविटी फियर से, डर से आती है, लेकिन किस बात का डर? जो चीज़ आपको चाहिए वो गंवाने का डर, आपको जो चाहिए वो ना मिलने का डर। देखिए, आपको ये ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है कि आप पूरी ज़िंदगी डर में ही निकालें। इसलिए इस बात से डरे नहीं कि आप कुछ गंवा देंगे, क्योंकि आपका जो है उसे आप गंवा नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है और ज़िंदगी इसी तरह चलती है। उदाहरण के लिए आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। जो कोई भी नौकरी, रिश्ता या अवसर आपने खोया, क्या अब आपको उससे बेहतर नहीं मिला? आपका खुद का अहंकार, आपका ईगो ये आपको मानने नहीं देगा कि जो आपने खोया है वो आपका था ही नहीं, बल्कि इस तरह आपको वो चीज़ मिली जो आपकी हमेशा से थी। क्या ये सही है कि नहीं? इसीलिए कुछ भी खो देने के डर से ऊपर उठे। जब आप ऐसा करेंगे तो अपने आप ही आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मन अब डर से बाहर निकलकर एक उम्मीद की स्थिति में आया है। दूसरा, चीज़ें या सिचुएशंस इतनी भी बुरी नहीं होती जितना हम उसे बनाते हैं। अगर आप कोई बुरी स्थिति के बारे में सोचते हैं, तो अपने दिमाग को उसी समय रुकने का आदेश दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने पार्टनर को मैसेज किया है, अगर उन्होंने 5 मिनट में रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या आपका रिश्ता टूट गया है। चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं होती जितना आपका दिमाग आपको बताता है। याद रखिए, ये सब आपके विचार हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन में जब एक नेगेटिव थॉट आता है, तो उसके बाद और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ये थॉट्स हकीकत में तो है भी नहीं, फिर भी आपका मन ये सभी विचारों के बारे में सोचता रहता है। जब आपके मन में एक भी नेगेटिव थॉट आए ना, तो पहले तो गहरी सांस ले लें और आप अपने आप को समझाएं कि ये सब आपके विचार हैं और इन रियलिटी, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय आप अपनी ज़िंदगी के बारे में 3 अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। इस तरह आप नेगेटिव थॉट से उबर पाएंगे। अंत में ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक पल है। जिंदगी में चुनौतियाँ भी आएंगी ही, और आपको इसका सामना भी करना पड़ेगा। जिंदगी हमेशा गुलाबी रंगों से भरी नहीं होती। आपको जिंदगी में काले बादलों का सामना भी करना पड़ेगा, और ऐसे मुश्किल समय में आपको ये याद दिलाना है कि ये सारी चीज़ें कुछ समय की बात है। जिंदगी हमेशा मुश्किल नहीं होने वाली, ये समय भी बीत जाएगा। ये कम से कम 21 बार ज़रूर बोलें कि ये समय भी बीत जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, या बोलते ही रहें और ये देखें कि आप नेगेटिव नहीं सोच रहे। जब आप शांत हो जाएं, तो खुद से कहें कि मैं इस शांत स्थिति को हमेशा के लिए स्वीकारता हूँ। कठिन स्थितियाँ तो आती रहेंगी, जब ये स्थिति आए तब आप शांत मन से कहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा, मैं इस स्थिति को शांति से लेती हूँ। और शांति से लेना बहुत ज़रूरी है। समय तो आएगा और जाएगा, कठिनाइयाँ आएंगी, वैसे ही निकल जाएंगी। आप अपने आप को शांत स्थिति में रखें। ज़िंदगी में हम सब लोगों को कुछ न कुछ तो भोगना ही है। जो मुझे भोगना है वही मेरे पास आएगा, जो मेरा है वही आने वाला है। बस उसे हंसते हंसते भोग लीजिए, शांति से भोग लीजिए। नए नए कर्म मत बनाइए। नए कर्म तब बनते हैं जब आप वस्तु स्थिति को स्वीकारते नहीं और उसके बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं।
तब याद रखिए, जो भी परिस्थिति हो, काले बादल छाए हो या खुली हवा हो, दोनों परिस्थिति में आपको शांत रहना है, आनंदित रहना है और अपने काम में लगे रहना है। बस, तो ध्यान रखिए, ये जब करेंगे, काम में मन को लगाए रखेंगे, तो मन पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी को हटाएं, बिजी रहें, अपने कर्तव्य करते रहें और मन में हमेशा शांति और सुकून महसूस करें। शुभमस्तु, नमस्कार।